इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता आपके साथ कि जॉन्टी यहाँ पे। लैंग्वेज की बिल्कुल भी चिंता मत करना, जिस भाषा में आप पूछना चाहते हो उसमें पूछना, हम बात कर लेंगे। This is what we are using as coaches with all our experience, whether it's at an IPL, whether it's at state level, whether it's at schools, and it's so important. He spoke about practicing with a plan. Step was good. So if you catch with the fingers, okay, just one step is fine. Your head is moving, and you wear your eyes. Are they in your head? Good. There you go. Perfect. Awesome. So normally हम कहते हैं जितने हमारे कंधे हैं उतने, वो कहते तो हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है, क्यों? वो ये वजह है कि आपको दोनों चीज मिले, बेस भी मिले और क्विक मूवमेंट भी मिले। बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, मतलब कि आपको अपने आप को पुश करना। एक सपना था जो मतलब कंप्लीट हो गया उनसे मिलने के बाद, और बहुत कुछ और अगर आपको आगे करना है तो उनसे सीखना पड़ता है, तो हमें बहुत ही मतलब खुशी हुई उनसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा कि कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मतलब जॉन्टी सर आएंगे और हमें टिप्स देंगे। उनसे हम ऐसे मिलने का मौका दिया, एंड वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छे टिप्स बताए थे जो हमें लाइक आज तक नहीं पता थे। उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को टीचिंग दी, बहुत अच्छा सिखाया उन लोगों ने, बैटिंग के बारे में स्किल्स बताए और अच्छा बेसिक्स बताया कि बेसिक्स इम्पॉर्टेंट है, बेसिक्स को आप अपना अच्छा करोगे तो आपका आगे गेम इम्प्रूव होगा। ऐसे गुरु से मिलके हमको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई जो हमारे आगे करियर में काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं। My father is, I am an old man, he's a very old man, but he was a school principal. So I grew up spending much time of my time at a school, and he just said to me, Jonty, there's one very important lesson I want to tell you now when you are 11 years old, 12 years old. He said, all the teachers will tell you, all your sports coaches will tell you, that practice makes perfect. Because you can stand here for 2 hours, you can be sweating and say, look, I've been practicing. And he said, Jonty, it's perfect practice that makes perfect.